अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय, दिस इज फैशल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं आ चुका हूँ असारवा रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं असारवा अहमदाबाद से उदयपुर सिटी के लिए। ट्रेन है हमारी 19704 असारवा उदयपुर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो इसे बोर्ड करने के लिए चलते हैं असारवा रेलवे स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए जी, तो हमारी जर्नी होने वाली है आज स्लीपर क्लास में, और मेरी जो सीट है वो है S3 कोच में 66 नंबर, विच इज़ मिडल बर्थ, जो कि यहाँ पे है मिडल बर्थ। सबसे घटिया लगती है मुझे स्लीपर में और थर्ड AC में जब भी मैं जर्नी करता हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं। तो अगर बात करें हमारी ट्रेन की, तो ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग असारवा अहमदाबाद से निकलेंगे सुबह 6:40 पे और 14 हॉल्ट लेते हुए, यानी 14 हॉल्ट लेते हुए उदयपुर सिटी पहुँच जाएंगे दोपहर को 12:30 पे। और अगर बात करूँ इस ट्रेन के कोचेज और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में 4 तरीके के कोचेज लगते हैं, थर्ड AC, AC चेयर कार, स्लीपर और जनरल, जिसकी जो कॉस्ट है असारवा अहमदाबाद से लेके उदयपुर सिटी की फुल कॉस्ट, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहें तो उसकी कॉस्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और जी, लोकोमोटिव लगा हुआ है आबू रोड लोको शेड का WDM-3A, और कई ज़माने बाद आज फाइनली एल्को लोकोमोटिव के साथ जर्नी करने को मिलेगी। मज़ा आएगा, क्योंकि हमारा कोच जो है वो लोकोमोटिव से काफ़ी करीब है, तो जो एल्को की चकिंग है वो सुनने का अलग ही मज़ा होने वाला है। चलिए जी, तो एल्को लोकोमोटिव की जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी हाई है। तो अब चलते हैं कोच में और करते हैं डिपार्ट असारवा से। तो डिपार्ट करने से पहले, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 85% लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं कोच में। और हाँ, हमारी जो ये ट्रेन है वो रेक शेयर करती है उदयपुर सिटी जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ भी, जो कि आप इसके बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए, तो बज रहे हैं अभी सुबह के 6:40 और अब वक्त हो चुका है असारवा से निकलने का। तो अब 296 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 5:50 में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आर एंड मैक्स परमिसेबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आर। और आप ये चेकिंग जो एल्को लोकोमोटिव की है वो सुनिए। सुबह सुबह का वक्त हो, आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो और ऐसा एल्को लोकोमोटिव का चेकिंग का साउंड अगर आपको सुनने को मिले, इट इज़ सच अ ट्रीट फॉर एनी रेल फैन। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस। और ये पूरे रास्ते होने वाला है, जब भी हम कर्व लेंगे ये चेकिंग की आवाज़ मैं आपको सुनाता रहूँगा। और हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हम इस 296 किलोमीटर की जर्नी में 14 हॉल्ट लेने वाले हैं। अब मैं सारे होल्ड्स तो नहीं दिखाने वाला, और ऑलरेडी मैं इस रूट को प्रॉपर तरीके से कवर कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें, इसी ट्रेन में मैंने जर्नी की थी, तो ऊपर मैं आपको आई बटन में दे दूँगा,
अभी जो जर्नी मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये जो एल्कोमोटिव लोकोमोटिव है इसकी जर्नी के लिए, बिकॉज बहुत रेयर हो गया कि किसी ट्रेन में एल्को लोकोमोटिव लगते हो। तो मैं आपको जर्नी के अंदर जो रूट्स है, जो सीनरीज है, वो दिखाऊंगा रादर देन स्टेशन। हाँ, मेजर स्टेशन जो है वो हम ज़रूर कवर करेंगे, वो स्टेशन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन बाकी जो है वो आपको इस तरीके से ट्रेन का एक्शन ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के तीसरे हॉल्ट, जो कि है नांदोल देहगाम स्टेशन, कोड NHM। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1879 में। यहाँ हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था और हमारी ट्रेन 5 मिनट लेट भी चल रही है। नांदोल जो कि ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न के द्वारा, और ये आता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती, ना ही टर्मिनेट होती है, लेकिन 12 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट ज़रूर लेती है। बाकी आप ये स्टेशन देख सकते हैं, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस रूट के वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, जो कि है हिम्मतनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड HMT। और ये रेलवे स्टेशन भी ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न के द्वारा। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 10 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। हमारा हिम्मतनगर पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो सुबह के 8:25 का था, लेकिन हमारी ट्रेन 23 मिनट बिफोर 8:02 पे ही यहाँ पर पहुंच चुकी है और हमारा हिम्मतनगर पर 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और यहाँ पर आपको अगर खाने पीने के लिए कुछ भी चाहिए तो स्टॉल जो है वो अवेलेबल है। यहाँ से आप जो समोसा वगैरह है वो ले सकते हैं। हालांकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन स्टिल साइड पेंट्री के जो भी वेंडर्स है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको जो भी ब्रेड पकौड़ा वगैरह जो सुबह सुबह का नाश्ता होता है वो आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ये 2 चीज़ें ले ली है। पहले तो चाय, साथ में ब्रेड पकौड़ा और एक समोसा और तली हुई मिर्ची। चाय का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ढंग की चाय है, पानी वाली नहीं है। अब ये दोनों चीज़ खाते हैं और फिर डिपार्ट करते हैं हिम्मतनगर से। और साथ में समोसे और ब्रेड पकोड़े का जो टेस्ट है ना वो भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब स्टफ्ड है। समोसा भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए अंदर आपको स्टफिंग दिख रहा होगा और चाय तो है ही।
ठीक है, तो करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं। चलिए जी, तो अपने तय समय पर बिल्कुल सुबह 8:30 पे हम लोग निकल रहे हैं हिम्मत नगर जंक्शन से भी। तो जी, अहमदाबाद से 128 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के 7वें हॉल्ट शामड़ा जी रोड, स्टेशन कोड SJS। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1879 में, और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अजमेर डिवीजन के द्वारा। मतलब हम लोग वेस्टर्न डिवीजन से निकल चुके हैं और अभी हम एंटर कर चुके हैं नॉर्थ वेस्टर्न जोन में। और शामड़ा जी रोड जो रेलवे स्टेशन है ना, वो सर्व करता है उन पैसेंजर्स को जो भी शामड़ा जी मंदिर जाना चाहते हैं, वो यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट हमारी ट्रेन का, और हमारी ट्रेन 2 मिनट लेट भी चल रही है। चलिए डिपार्ट करते हैं शामड़ा जी से। और आप ये रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, कई सारे पेड़ आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। खूबसूरत रेलवे स्टेशन, शांत रेलवे स्टेशन। आसपास में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बस्ती नहीं है। और आगे अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। चलिए जी, तो अब बज रहे हैं सुबह के 10:05 और अपने तय समय से 15 मिनट लेट हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान के डूंगरपुर, स्टेशन कोड DNRP। और ये रेलवे स्टेशन पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो सुबह के 9:50 का था, और जैसे मैंने बताया ट्रेन हमारी 15 मिनट लेट पहुंची है सुबह 10:05 पे। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और इसे डूंगरपुर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक गुजराती वर्ड है, इसके आसपास कई सारी पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से इसे डूंगरपुर कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ियों को गुजराती में कहा जाता है डूंगर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है क्योंकि आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर डिबोर्ड करे हैं, और ट्रेन अब धीरे धीरे खाली होना शुरू हो चुकी है। बाकी अगर मौसम की बात करें ना, तो सुबह सुबह जब हम अहमदाबाद से निकले थे तब थोड़ी ठंडक थी, अभी फ़िलहाल में धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है तो गर्मी लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आगे जाकर जो है वो सर्दियों का मौसम ही आने वाला है। और इस एरिया में काफ़ी बढ़िया सर्दी होती है क्योंकि राजस्थान के जितने भी ऐसे रूरल एरिया है ना,
वहाँ पर सर्दी में जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा होता है। चलिए एक बढ़िया सा कर्व आ रहा है वो दिखाते हैं आपको। तो जी 255 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं जावर रेलवे स्टेशन, जहां पर पहुंचने का ऑफिशियल टाइम सुबह के 11:10 का था और अभी आप देख सकते हैं 11:16, यानी सिर्फ 6 मिनट लेट हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। अब यहां से आगे एक काफ़ी फेमस ब्रिज आता है वो मुझे आपको दिखाना है। बाकी ये जो पूरा रूट है ना भाई साहब, सच में अगर मानसून में बारिश के वक्त में अगर आप आता, बिकॉज मैं साउथ इंडिया टूर के लिए निकल गया था तो इस वजह से इस रूट को मैं कवर नहीं कर पाया था, लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं और मानसून में अगर आना होता है तो ज़रूर से इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा, इस रूट पर ट्रैवल कीजिएगा, बिल्कुल घाट सेक्शन जैसा है। चलिए यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, निकलते हैं फिर जावर से और आगे के कुछ और बढ़िया से व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे हमारी ट्रेन का जो हॉन्क है ना वो बिल्कुल शंखनाद जैसा है, जो शंख बजता है ना बिल्कुल वैसा सा हॉन्क है।
ऑलराइट दोस्तों, तो 296 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 15 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड UDZ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कॉमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये कंटेंट देखना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो बस चलिए, चलता हूँ मैं रेलवे स्टेशन के बाहर और भागता हूँ होटल के लिए, जस्ट बिकॉज आज है 14 अक्टूबर और इंडिया पाकिस्तान का मैच अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। होप यू हैव एंजॉयड दी जर्नी और गेम एज वेल। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज फैशल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।